शुक्रिया, इस भुट्टे से जान छूटती है, चाहे 5 मिनट के लिए सही। कैसे लग रही हो? ठीक लग रही हो ना? ठीक बॉम्ब लग रही हो, बॉम्ब। ये बुरखा रख लो जल्दी से। अरे नहीं नहीं तुम्हारे बैग में क्यों रखना है, मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। अच्छा सुनो, हमें कोई देख तो नहीं लेगा ना? देख भी लेगा तो बोलेगा अच्छी लग रही हो। तुम भी अच्छी लग रही हो, बुरी नहीं लग रही। तुम भी लिपस्टिक लगा लो। अरे नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो। अरे ट्राई तो करो, ये कलर तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छी बात है। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुको। ये दुपट्टा तो ठीक करो। क्या ठीक तो है, ऐसे डालो। ऐसे ऐसे रखो, आफत ढा रही हो अब। अच्छा ले तुम्हारी लिपस्टिक, चलो चले। एक सेकंड आप चलो। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? आई थिंक कॉफी ठीक है। दो कप कॉफी भिजवाओ मेरे रूम में, गेस्ट टाइम है। आई एम सो सॉरी आपको वेट करना पड़ा। नहीं इट्स ओके सर। कॉफी पीनी तो मैं फिर आपको ऑफिस का विजिट करवा देता हूँ। नदीम साहब थे ऑफिस में या आप डायरेक्ट यहाँ आई हैं? कौन नदीम साहब सर, मैं तो इंटरव्यू के लिए आई हूँ, आज इंटरव्यू है मेरा। आप यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं? जी। आपका नाम क्या है? सारा। सारा? मुझसे गलती हो गई। वो एक्चुअली नदीम साहब की असिस्टेंट हैं, मिस गजल। तो आपको देख के लगा कि आप ही हैं वो गजल। जी? मेरा मतलब वो नहीं था। थैंक यू सर। अरे आप कहाँ जा रही हैं, आप कॉफी तो पीती जाइए। नहीं थैंक यू सर, मैं कॉफी नहीं पीती। बड़ा सिनेमा है। हाय नोशी, मेरा ना बड़ा दिल करता है सिनेमा में मूवी देखने का, बड़ी स्क्रीन पे, ये बड़े बड़े हीरो हीरोइंस। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आज ही देख लेते हैं। आज? हाँ, शाहरुख मेरी कोई बात नहीं टालता, एक बार बोलो हो जाती है, बहुत प्यार करता है मुझसे। अच्छा? हाँ आने दो उसको, एक बार बोलूंगी फॉरेन टिकट ले लेगा। हाँ लेकिन आज नहीं, पर फिल्म हम जरूर देखेंगे लेकिन आज नहीं। वो उसने सारा ने जल्दी फ्री हो जाना है, वो साइमा के घर चली जाएगी, उसको मैं आगे से ना मिली तो बस तमाशा। अरे यार कितना डरती हो तुम, ना सिर्फ उससे इनफेक्ट सारे घर वालों से। छुप छुप कर यहाँ मॉल्स में आऊंगी, घर झूठ बोलकर बाहर निकलूंगी, डरूंगी तो सही ना पकड़ी गई तो। मेरी जान एक ही जिंदगी है, डर डर के क्यों जिए भला। चलो आज ही देखेंगे। नहीं नहीं आज नहीं देखेंगे, समझा करो ना, एक तो तुम भी घोड़े पे सवार हो जाती हो। अच्छा वो वाली देखेंगे, वो ड्रोनी वाली। मर्जी है भाई तुम्हारी।
कॉफी क्यों नहीं पी कर रही वो? कौन थी वो लड़की? कौन लड़की? अच्छा वो लड़की, अरे भाई मुझे नहीं पता कौन थी वो लड़की, वो गलती से आ गई थी रूम में, इंटरव्यू था शायद उसका, वो समझी। और तुम उसकी गलत फहमी दूर करने के लिए उसको कॉफी पिलाना चाहते थे, राइट? सरफराज कितना बेवकूफ समझते हो तुम मुझे? ये कैसा सवाल है यार, मैं तुम्हें बेवकूफ क्यों समझने लगूंगा? आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। जिस अंदाज से वो तुम्हारे कमरे से निकल कर गई है ना, उसके बाद सोचने की जरूरत तुम्हें है सरफराज। Come on यार, गलती से आ गई थी, बेचारी embarrassed हो गई होगी। और ये कॉफी भी मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई थी और तुम्हें बुलाने ही वाला था। आराम से बैठ के कॉफी पियो। मेरे लिए ना भी मंगवाई होती तो भी कोई बात, मेरे हिस्से में तो वैसे भी छोड़ी हुई और झूठी चीजें ही आती है सरफराज। फिर वही बात, शीना में कितना अरसा हो गया एक साथ, तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? हैरत है यार। मुझसे ज्यादा साल तो तुम्हारी बीवी को हो गया तुम्हारे साथ, तो बच्चों के बाप भी हो, उसके निकाह में हो, जब उसे आज तक तुम पर भरोसा नहीं, तो हमारा रिश्ता तो सिर्फ जुबानी कलामी है। एक तुम्हारी बीवी ही काफी है सरफराज, अगर उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आई तो याद रखना जिंदगी नहीं रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरी जिंदगी खत्म कर दोगी तुम? क्या जान ले लोगी मेरी? जान लिए बगैर भी जान ली जा सकती है मिस्टर सरफराज अहमद। हाँ इसमें तो तुम बहुत एक्सपर्ट हो, इस वक्त भी कसम से तुमने मेरी जान निकाल ली। कॉफी पी लो। पी लूंगी।